हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सिरसा में महाशिवरात्रि के मौके पर श्री बाबा तारा कुटिया में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों शिव भक्तों ने आहुति डालकर भगवान शिव और श्री बाबा तारा जी का आशीर्वाद लिया। हवन यज्ञ के बाद एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने प्रसाद बांटकर भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। वहीं लाखों लोगों ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद विधायक गोपाल कांडा ने महाशिवरात्रि पर्व की देश और प्रदेश वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, वो सिरसा के सभी अधूरे कार्यों को पूरा करवाएंगे। बाबा की कुटिया में हर शिवरात्रि को हर छह महीने बाद विशाल जो भंडारा और जो जिस तरह लोगों का आना जाना होता है वो लाखों की तादाद में, आज भी वैसे ही, कभी किसी ने कोई परवाह नहीं की कैसा मौसम कैसा क्या है। बहुत श्रद्धा है सिरसा के लोगों की, तो सभी को आज इस शिवरात्रि की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, खुशहाल रहे मेरा सिरसा और मेरा प्रदेश। सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिरसा की जनता का इतना बेशुमार प्यार और आशीर्वाद है कि जो उनके काम करके नहीं उतारा जा सकता, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के सिरसा के इन लोगों के काम करूं, ताकि इनका विश्वास और प्यार, और ये जानते हैं कि हमारे भाई को कुछ नहीं चाहिए हमसे, सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए, और ये मुझे देते हैं हमेशा, और जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं अदा करता हूँ। और अब भी जो सिरसा के काम है, जो काम पिछले 5-7 वर्षों में नहीं हुए, वो सभी मुझे पूरे करने हैं और वो सारे पूरे करेंगे। कल भराव की भी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो सारी सीएम साहब को दे दी है हमने बजट में, कि आप बजट में रखें और बजट अप्रूव करें और सिरसा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके आएंगे और काम करवाएंगे। श्री बाबा तारा जी के जन्मोत्सव और महाशिवरात्रि पर्व पर जागरण, भंडारे, ये सब प्रोग्राम दोनों शिवरात्रियों पे होता है, क्योंकि बाबा जी शिव स्वरूप थे। उनका फागण की शिवरात्रि को जन्मदिन है और सावन की शिवरात्रि को ब्रह्मलीन हुए थे। शिव स्वरूप, शिव अवतार थे, और उन्होंने आज जो ये रंग लगा रखा है उनकी सब तपस्या का फल है, और उनकी तपस्या से आज हम जहाँ खड़े हैं वो पूरा सिरसा जानता है, हरियाणा भी जानता है, पूरा देश जानता है कि उनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ खड़े हैं।